ट्यूशंस, मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग का फिजिक्स वन। तो भाई ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख भाई, फिजिक्स ना बंदे लोग ने, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया, साइंस को तीन हिस्सों में बांट दिया। इसमें पहला हिस्सा था फिजिक्स, दूसरा था केमिस्ट्री और तीसरा था बायोलॉजी। अब बायोलॉजी अपने को इंजीनियरिंग में नहीं है, वो फार्मेसी और डॉक्टरी वालों को है क्या, तो उसको अपन ने निकाल दिया। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको फर्स्ट ईयर में है, तो केमिस्ट्री के अलग से वीडियो आने वाले हैं, तो अलग से वो पार्ट है। अभी आप आ जाते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स एक्चुअल में छह हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? छह हिस्सों में। तो उसमें से पहला हिस्सा है जिसको कहते हैं मैकेनिक्स, पहला हिस्सा है उसको कहते हैं मैकेनिक्स, तो वो इंजीनियरिंग में अपने को अलग से पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है मैकेनिक्स। सेकेंड है जिसको कहते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन। अब आपको भी पता है वेव्स क्या होती है, समुद्र की वेव्स, लेकिन और भी अलग अलग वेव्स होती है, जैसे साउंड वेव, साउंड कुछ इस तरह वेव्स में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो वेव्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिक्स तो अलग से एक सब्जेक्ट दिया गया, तो वो अपन फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले। वेव्स, हाँ वेव्स के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन ऑसिलेशन क्या होता है, मैं भी पहली बार सुना, तो मैं बोला ये क्या होता है। हाँ भाई समझो यार, एक शांत पानी है भाई, समझ रहे हो क्या, अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ हलचल मचा दूं या फिर एक बंदा यहाँ पे कूद जाए, तो पानी का ऐसा ऐसा हो जाएगा, मतलब वहां पे वेव जनरेट हो जाएगी। तो ये कैसे हुई, मतलब यहाँ पे जब वाइब्रेशन हुआ तब वेव जनरेट हुई, या कुछ भी वाइब्रेट होता है तो वेव जनरेट होती है उस पानी में, तो वाइब्रेशन ही ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन ही ऑसिलेशन है। तो ये पल्ले पड़ गया कि भाई क्या है ऑसिलेशन, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वन में, ये अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वन में। फिर आ जाता है भाई हीट, भाई ये मैकेनिकल के बंदे पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, तो वो अपन मैकेनिकल के ब्रांच में, तो ये अपन नहीं पढ़ने वाले। फिर आ जाता है अपना लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, ये अपन ने नाइन्थ या टेंथ में पढ़ा था लाइट एंड ऑप्टिक्स, हाँ ये अपन पढ़ने वाले लेकिन फिजिक्स टू में, अभी नहीं फिजिक्स टू में, अगले सेमेस्टर में। तो एक ही चीज अभी मिली, बाकी के दो पार्ट है वो अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वन में। तो उसमें से एक और पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स, हाँ भाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स, जिसमें सुपर कंडक्टर आता है, बहुत सारी मजेदार चीज है, मतलब मजा आ जाएगा इसको पढ़ के, तो वो अपन फिजिक्स वन में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या पांच कोर सब्जेक्ट, मतलब पांच कोर टॉपिक्स थे फिजिक्स के। अब एक आजकल नया बन के आ रहा है, आजकल एक नया बंदा आ रहा है जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स भी अपन फिजिक्स वन में पढ़ने वाले। तो टोटल छह टॉपिक में से एक्चुअल फिजिक्स के अपन तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें वेव्स एंड ऑसिलेशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है और मॉडर्न फिजिक्स आता है। तो चलो सबसे पहले पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं। पर पहला टॉपिक का नाम है एकॉस्टिक, पहले टॉपिक का नाम है एकॉस्टिक, ये आता है वेव्स एंड ऑसिलेशन में। जैसे मैंने कहा था कि वेव सिर्फ सिंपल समुद्र की वेव्स नहीं होती, वेव्स और भी होती है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव होती है, तो साउंड वेव में, तो साउंड के बारे में पूरा अपन, जैसे साउंड वेव होती है तो साउंड के बारे में पूरा अपन एकॉस्टिक्स में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले सवाल आता है यार एकॉस्टिक्स क्या है, क्या है एकॉस्टिक्स, तो चलो मैं बता लेता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको इजी भाषा में बताऊंगा। क्या दिया गया एकॉस्टिक, कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक। मतलब भाई देखो यार, जो भी साउंड जनरेट हो रहा है या फिर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, उसको कहते हैं रिसेप्शन और प्रोपोगेशन होना। तो भाई देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं जो आवाज बोल रहा हूं तो ये क्या साउंड जनरेट हो रहा है, अब आप सुन रहे हो तो रिसीव हो रहा है, और क्या प्रोपोगेशन, मतलब साउंड यहां से कभी कभी ट्रेवल करते ना भाई, तो वो सारी स्टडीज इसको कहते हैं एकॉस्टिक। तो कुछ नहीं, एकॉस्टिक क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है जनरेशन ऑफ साउंड से, प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, उसको क्या कहते हैं एकॉस्टिक, उसको क्या कहते हैं एकॉस्टिक। तो भाई एकॉस्टिक में ना सबसे पहला एक खतरनाक चीज आ जाती है, जो बहुत अच्छी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं रिवर्ब्रेशन टाइम, रिवर्ब्रेशन, मेरा जब भी रिवर्ब्रेशन लिखता हो तो आ जाता है, इसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं रिवर्ब्रेशन टाइम। तो क्या होता है रिवर्ब्रेशन टाइम, तो सिंपल सी मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे हिंदी भाषा में बता दूंगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, क्या दिया गया है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ द साउंड हैज स्टॉप,
परसिस्ट फ्रॉम द साउंड इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ द साउंड है सब, मतलब चलो बता दो, समझो भाई आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे पहाड़ है, आपने एक बार मीना करके जोर से चिल्ला दिया, अब वो आपने अपना मुंह बंद कर दिया भाई, आपने अपना जो सोर्स है आवाज का वो बंद कर दिया, फिर भी वो आवाज गूंज रही है मीना मीना मीना, फिर वो वापस भी आ रही है आवाज मीना मीना मीना। तो वही आपके सोर्स, आपके बोलने के बाद, आप तो अपना बोलने के बाद हम कैसे मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन सोर्स के रुकने के बाद भी वो आवाज का रहना, तो जितने टाइम तक वो आवाज रहती है उसको रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं भाई, जितने टाइम तक वो आवाज रहती है उसको रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो चलो वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ते और अब आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि मैं क्या कह रहा था, कि द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ द साउंड हैज स्टॉप। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा कि साउंड का रहना इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ द साउंड हैज स्टॉप। सेकंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द टाइम गैप बिटवीन द इनिशियल डायरेक्ट नोट एंड द रिफ्लेक्टेड नोट अप टू अ मिनिमम एबिलिटी लेवल ऑडिबिलिटी लेवल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। अब ये क्या है, अब मैं बताता हूं, ये चीज है, समझो वही भाई आप यहां पे खड़े हो और ये पहाड़ है, आपने आवाज लगाई और हमने मुंह बंद कर दिया, तो इनिशियली क्या होता है भाई, अपनी आवाज बढ़ती रहती है और एक मोमेंट पे इसे टकरा जाती है और वो सबसे बड़ी होती है, फिर टकराने के बाद आवाज वापस आती है, लेकिन अब वो थोड़ी थोड़ी कम होती होती है, कम होती जाती है और एक टाइम पे आवाज खत्म हो जाती है। तो समझो मैं यहां पे ऑब्जर्वर में ही हूं, मैं नीचे आया गया था, या फिर कोई ऑब्जर्वर है जो उसको सुन रहा है, इसके बोलने के बाद वो सुन रहा है, तो जितने टाइम आवाज इसके बोलने के बाद जितने टाइम तक आवाज सुनाई दे रही है, ये इनिशियल नोट था जब उसने बोला और आवाज शुरू हुई, और जब तक इसको सुनाई दे रही है वो क्या है, फाइनल नोट। तो फाइनल नोट मतलब उसने उसको 8 सेकंड तक सुनाई दी और उसने 2 सेकंड पे शुरू किया था, तो 8 - 2 कितना होता है, 6, तो 6 सेकंड तक आवाज सुनाई दी, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। कितने सेकंड तक आवाज सुनाई दी, 6 सेकंड तक आवाज सुनाई दी, इसको क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन टाइम। तो अब उसको वापस पढ़ते कि जो टाइम गैप बिटवीन द इनिशियल डायरेक्ट नोट एंड द रिफ्लेक्टेड नोट अप टू अ मिनिमम ऑडिबिलिटी लेवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन रिवर्बरेशन टाइम। समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई जब तक मेरे को आवाज सुनाई, जहां से आवाज शुरू हुई और जब तक मेरे को आवाज सुनाई दे रही है उसके बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। तो भाई ऑब्वियसली समझो, अगर मैं 2 बजे कॉलेज जा रहा हूं और 5 बजे छूट रहा हूं, तो मैं कितना घंटा कॉलेज गया, 5 - 2 3 घंटा। उसी तरह से अगर मेरे को 8 सेकंड तक सुनाई दे रही है और 2 सेकंड पे आवाज शुरू हुई थी, तो 8 - 2 कितना हुआ, 6 सेकंड। तो इनिशियली आवाज क्या बढ़ती है, फिर वो कम होते जाती है। तो इसका एक ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई अगर रिवर्बरेशन कभी भी टाइम पूछते तो हमेशा वो ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ग्राफ में कुछ नहीं भाई, कोई दम नहीं है ग्राफ में, सिंपल सा ये साइड टाइम आएगा और ये साइड क्या आएगी, इंटेंसिटी। ये साइड टाइम आएगा, ये साइड इंटेंसिटी आएगी। तो शुरुआत में क्या हो रहा है भाई, आपकी टाइम के साथ आवाज बढ़ रही है, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये आप खड़े हो, आप आवाज शुरुआत में क्या बढ़ रही है, टकराने के बाद धीरे धीरे आवाज क्या होती है, कम होती है। तो इनिशियली जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपकी आवाज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक लेवल आ गया, यहां पे आकर टकरा गई, अब क्या वापस आपकी आवाज कम होती है कम होती है कम होती है, तो आपकी आवाज क्या कम 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 हो रही है। सिंपल सा ये डायग्राम है। क्या इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, कि आपके अपने साउंड की पावर कितनी, दम कितना है भाई साउंड में। तो वो भाई सिंपल सा डायग्राम है, एक लेवल पे वो बढ़ती है फिर आके वो कम होता है। इतना सा डायग्राम है, बना लेना भाई, मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि भाई हम अवन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भाई ये देखो, ये कुछ 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो उसके अगले वीडियोस आने वाले, तो उसको जरूर चेकआउट करो। पहला है सबाइन फॉर्मूला प्लस उसके सम्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है कंडीशन फॉर गुड एकॉस्टिक्स एंड डिजाइन मेथड फॉर गुड एकॉस्टिक्स, तो ये अक्सर 7 में पूछा जाता है और ये आता है 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 या 7 मार्क्स के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है जिसको कहते हैं सम बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। तो बस भाई हाँ, अब मैंने भाई इसके नोट्स भी बनाए, ऐसे नहीं कि यार आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इसके नोट्स भी बनाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो, इन पूरी चीजों के भी नोट्स रेडी है, पूरे लिंक्स रेडी है किस तरह से देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताओ अपने दोस्तों को कि लास्ट मोमेंट ट्यूशन पे फिजिक्स 1 के वीडियोस है,
शेयर करो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।